नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, एसे राइटिंग के सीक्वेंस में ये नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया था हर घर तिरंगा अभियान, उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा, बहुत लंबा नहीं था, देख लीजिएगा। कुल मिलाकर एसे लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, बाकी टॉपिक अगर आप चाहें कि हूबहू मैच कर जाए तो ये संभव नहीं है। आयोग इस तरह के पेपर नहीं बनाता है कि सेम टू सेम मैच करेगा। लेकिन लिखने का आइडिया अगर आपके पास है कि किसी भी विषय पर आप लिखने में सक्षम हैं और आपको ये पता है कि कौन से टॉपिक पर किस तरीके से लिखा जाता है तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, इंडिया विजन 2047@2047 यानी 100 साल की हमारी आज़ादी हो जाएगी 1947 में हमने आज़ादी प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 15 अगस्त 2047 का जो समय है, 100 साल हम कंप्लीट करेंगे। अब जब 100 साल पूरे हो रहे हैं यानी एक लंबा समय गुजर चुका है तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह का डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, कितना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं और देश को कहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं। और ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, जितना हमने अर्जित कर लिया है वो तो अभी तक का है यानी 2022 तक का है, आगे 25 साल और बचे हैं। 25 साल कम भी नहीं होते और 25 साल बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। एक इंसान के लिए 25 साल बहुत होते हैं, पैदा होकर वो युवा हो जाता है, कुछ करने में सक्षम हो जाता है, लेकिन एक राष्ट्र के लिए ये कम है। उसके डेवलपमेंट और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो राष्ट्र है जहाँ तमाम समस्याएँ हमें घेरे हुए हैं चारों ओर से, उसके लिए ये समय कम है। तो हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना है, लेकिन ये है कि रफ्तार बढ़ानी होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना रोड मैप है इसमें। अब देखिए, इस टॉपिक को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विज़न की बात की गई है। तो विज़न तो हर व्यक्ति का हो सकता है, केवल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का विज़न नहीं होगा। असली तो विज़न है नागरिकों का, जो हमारे सिटीज़न हैं, वो क्या सोचते हैं, देश को किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि देश में और उन्नति हो और कौन सी समस्या देश से दूर भाग जाए। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि पॉवर्टी का जो लेवल है उसको मिटाया जा सके, मतलब समानता लाई जा सके, कुछ लोग वुमेन एम्पावरमेंट के पक्ष में हैं। तो सबके अपने अपने सपने हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ हो जाए और इकोनॉमी एकदम से बूस्ट कर जाए और हम एकदम टॉप पे पहुंच जाएं, मतलब सारे राष्ट्र जो है उनको पीछे छोड़ते हुए। लेकिन रियलिस्टिक गोल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम दिवा स्वप्न देखें और उम्मीद करें कि अगले 25 साल में कोई ऐसी जादू की छड़ी आ जाएगी और घुमा दिया जाएगा और सारे स्वप्न साकार हो जाएंगे। ये सब सिर्फ फैंटेसी है, रियलिटी से हमें दो चार होना पड़ेगा। तो हमें ये सोचना होगा कि जो तत्काल की समस्या है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। जितनी भी समस्याएं अभी देश में है ना, उनका उन्मूलन नहीं किया जा सकता है इतने कम समय में, लेकिन उन्हें हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, बस वही करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अभी तो प्लानिंग इस पर स्टार्ट हुई थी तो इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का सहयोग लिया गया और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनसे सहयोग लिया गया और ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है 2047 के लिए विज़न का। और इस डॉक्यूमेंट में बहुत तरह की जो पीछे की अचीवमेंट है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, आगे के जो हमारे गोल्स हैं जो कि पहले से बना कर रखे हुए हैं, जैसे SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें हमने भी कमिटमेंट की है कि वो 17 जो सतत विकास लक्ष्य है उनको हम अचीव करेंगे, तो उसका मैक्सिमम हम प्राप्त कर सके 2030 तक, ठीक है, वो तो वहीं पर समाप्त हो जाएगा, तो उसको भी अचीव करने का एक चैलेंज है। और वो तो सिर्फ एक नमूना है, उसके अलावा जो NEP हमने जारी कर रखी है तो उसको भी 100% हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की एक चुनौती है हमारे सामने, जो कि आसान नहीं है। और कोविड के बाद से हमारी इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, महंगाई बेशुमार है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, हर देश इससे जूझ रहा है, तो भारत के सामने तो चुनौतियाँ और बड़ी हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इसीलिए जो डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे मंत्रालय आप समझ लीजिए, उनसे सहयोग लिया गया है, विचार विमर्श किया जा रहा है कि कहाँ से क्या सुधार हो सकता है। तो ये विज़न डॉक्यूमेंट जो है ये इसी का रिजल्ट है। और इसमें देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये फाइनलाइज की कि 2047 का जो प्लान है ये मई 2022 में, मतलब इसकी घोषणा हुई थी कि भाई ऐसा कोई प्लान तैयार हो रहा है, मई का जो समय था वहाँ तक हमें ये जाहिर हुआ कि 2047 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना प्लान है। और इसमें पूरा जो सेक्टोरल ग्रुप है सेक्रेटरीज का वो बनाया जा रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो प्रशासनिक तंत्र को समझते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जब उनसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता है तो उस मामले में सलाह उन्हीं से लेनी चाहिए और वो बेहतर सलाह देंगे, तो उनसे सलाह ली जा रही है। और अलग अलग मतलब 10 डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ से कि सेक्रेटरीज को उठाया गया है, मतलब वहाँ के सचिव स्तर के जो IAS ऑफिसर्स हैं उनसे सलाह ली जा रही है, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ अभी सर्विस में हैं, और दे विल ड्रा अ प्लान दैट विल स्टार्ट बाई दिस डिकेड, और वो इसी डिकेड में स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अब समय ही कहाँ बचा है,
अगर इस डिकेट में नहीं शुरू किया तो 25 साल बीतते जो समय नहीं लगेगा, ये आप भी जानते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एम जो है, मतलब इसमें लक्ष्य क्या है। अब विज़न का कोई खास एम नहीं होता है, विज़न तो अपने आप में खुद एक एम है या गोल है, ये कहना सही रहेगा। फिलहाल यहाँ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विज़न की बात हो रही है। अब इसमें लिखने का, जैसे कि पीछे भी आपको बताया कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो आप अपने विज़न से भी शुरू कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बीच में रखिए, शुरुआत जहाँ आपने इंट्रो की है ना, वहीं पर आप अपने विज़न को रख दीजिए कि आप अपने देश को भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं, और उसी बात के सहारे फिर जो मेन बॉडी है वहाँ पे ये लिख दीजिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कदम उठा रही है, और अंत में कंक्लूजन दीजिए कि क्या इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों, ऐसे कहते हुए कंक्लूजन दे दीजिए, वो तरीका भी ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आप देखें, द एम ऑफ द विज़न इज़ टू क्रिएट एन एक्शन प्लान। ये प्लान जो है ये कोई सोया हुआ प्लान नहीं है, ये एक्टिव है, और एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे तो 25 साल में अचीव नहीं कर पाएंगे। अंडर द प्लान अ रोड मैप विल क्रिएटेड फॉर ईच सेक्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिनको कि पहले प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उनके लिए अलग अलग यहाँ पे रोड मैप तैयार किया जाएगा, और इसमें जो प्लान है इसको इसी डिकेड में शुरू कर दिया जाएगा ताकि इसे जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सके। तो प्रिंसिपल जो इसका है उसमें हम देख पाते हैं कि होल कंट्री होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच वाला जो इसमें व्यू है उसको रखा जाएगा। द प्लान विल बिल्ड एक्सपर्टीज विद इन द गवर्नमेंट, साथ में इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो जो प्रिंसिपल्स हैं या इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें या तो आप बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और नहीं तो एक चार्ट टाइप का बना दीजिए, उसमें ऐसे आप प्रिंसिपल ऑफ विजन लिख के बहुत सारी एरो बना दीजिए और उसमें इन चीज़ों को लिख दीजिए। दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों से वहाँ निगाहें जाती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे ऐसे में अंडरलाइन कर देते हैं, उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ठीक है कि महत्वपूर्ण है, लेकिन हर जगह अगर आप रेखांकन कर दीजिएगा, मतलब अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो उससे देखने में निबंध बोझिल हो जाता है। वो काम बार बार नहीं करना है, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। कुछ जगह पे आप लाइनिंग कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे आपको लग रहा है कि फ्यूचर इंडिया इंपॉर्टेंट है तो उसके नीचे आपने हल्की सी लाइन खींची, पूरे सेंटेंस को नहीं करना है। कुछ जो वर्ड्स हैं जहाँ आप ज़्यादा जोर देना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, और कुछ जगहों पर आप बुलेट पॉइंट बना दीजिए, जहाँ चार्ट बनाने की गुंजाइश है वहाँ वो बना दीजिए, अगर कोई जियोग्राफिकल टॉपिक है तो वहाँ मैप बना सकते हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करना है। फिलहाल यहाँ देखिए, द प्लान विल बिल्ड एक्सपर्टीज विद इन द गवर्नमेंट, और अगला वाला है कि इट विल लेवरेज इंटरनेशनल कैपिटल। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो तो इकोनॉमी को ऊपर करना है, अभी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो स्वप्न देखा जा रहा है वो इतना आसान नहीं है, तो उसको भी अचीव करना है। ट्रिलियन डॉलर भले ही ना हो लेकिन स्थिति सुधारने की एक चुनौती सामने है, और वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं। इट विल इन्वॉल्व इंटरनेशनल एक्सपर्टी, और इट विल इन्वॉल्व एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, तभी तो हम ज़्यादा बड़े मैनर में बड़े रिस्पेक्ट में देख पाएंगे। और फ्यूचर इंडिया का पूरा जो टेम्पलेट है वो हमारी प्रायोरिटी होगी, और फ्यूचर इंडिया कैसा होगा, मतलब इन फ्यूचर इंडिया कैसा होगा, ये सोचना है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि द प्लान इज़ टू प्रोवाइड प्रायोरिटी टू द फॉलोइंग, अब किसको दे रहा है प्रायोरिटी, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर को पहले उठाया गया है, तो एग्रीकल्चर तो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, अगर उसे हम मेंटेन नहीं कर पाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और एग्रीकल्चर के सामने भी बहुत सारे भावी संकट हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, ये इतनी तेज़ रफ्तार में हो रहा है कि इसमें संभल पाना बड़ा मुश्किल है, और मौसम तेज़ी से बदलता जा रहा है। जलवायु बदलने का मतलब क्या है कि मौसम में बदलाव होगा, तो हमारी जो खेती है भारत में कम से कम जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो ज़्यादातर मौसम आधारित है। मौसम अगर बिगड़ा तो फसल बर्बाद हो जाएगी, और इस समय वही हो रहा है, गेहूं के साथ तबाही हो गई, अभी धान के साथ भी लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर बेहिसाब बारिश हो रही है, बाढ़ से सब कुछ बह रहा है, और कहीं पर बारिश ही नहीं हो रही है, तो धान की पैदावार दोनों ही स्थितियों में नहीं हो पाएगी, तो इससे गेहूं और चावल जो कि हमारे मुख्य खाद्यान्न हैं वो पीछे हट जाएंगे, तो ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो बड़ी किल्लत की बात है, बाकी जो अमीर हैं वो तो स्टॉक अपना जमा करके रखे हुए हैं, तो इस तरह की स्थिति है। कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज से हमें निपटना है, और एग्रीकल्चर को थोड़ा मॉडर्नाइज करना है, मतलब उसका मॉडिफिकेशन करना है, हमें ऐसी टेक्निक ईजाद करनी होगी या अपनानी होगी जिससे कि हम मौसम पर ज़्यादा आधारित न रह पाएँ। हालाँकि हम एकदम से मौसम से कट भी नहीं सकते क्योंकि उसके बिना तो पैदावार संभव नहीं, लेकिन ऐसा अगर कोई डिजास्टर होता है तो उससे हम जल्दी उबर पाएँ, इसके लिए प्रयास आवश्यक है। तो क्लाइमेट चेंज है, उसके अलावा पानी की कमी है, कहीं पर लैक ऑफ लैंड है, अब लैक ऑफ लैंड भी एक समस्या है। खेती की ज़मीनों पर तो हमने मकान और इमारतें खड़ी कर रखी हैं, और जो बचा खुचा था उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रोड बनवा रही है, हाईवे तैयार हो रहे हैं 6 लेन और 8 लेन, तो जो खेत हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जब खेत खत्म होंगे तो आप समझ रहे हैं उतना जो अन्न का भंडार है वो भी छोटा होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। पॉपुलेशन बेहिसाब बढ़ रही है लगातार कंट्रोल की बातें करने के बावजूद, और खेती की ज़मीन सिकुड़ती जा रही है, यानी लोगों की तादाद बढ़ रही है, खाने का राशन घटता जा रहा है। आप सोच लीजिए, कोई भी नोट की गड्डियाँ नहीं खा सकता, सिक्के नहीं खा सकता, उसे खाने के लिए अनाज चाहिए, और वो जो टोटल ग्रेन है वो ज़मीन से उपजता है, ज़मीन ही नहीं छोड़िएगा, तो ऐसी ज़मीनों की कमी होती जा रही है, अब ये समस्या है।
इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ी रही है, वो तो सबसे बड़ी झंझट है। ये जो ज़मीनों की घटती तादाद है ये भी बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से ही है। ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ा तो रोडों को चौड़ा करवाने की नौबत आई, और ट्रैफिक के अलावा जो पॉपुलेशन है जब ज़्यादा ग्रोथ की तो लोग अपना जो खेत है उसको हटा के मकान बनवाना शुरू किए, दुकानें खोल के उद्योग लगाना शुरू किए, तो इससे खेत कम होने लगे। पहले हमने जंगल काट के खेत बनाए और अब खेत को मिटाकर वहाँ मकान बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, तो ये तबाही की ओर ही ले जा रहा है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा जो वाटर का यूज़ हम लोग करते हैं अभी बेहिसाब करते हैं, और वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, वही खेती के लिए भी काम आता है, वही पीने के लिए भी, मतलब दैनिक इस्तेमाल में हम उसी को लेते हैं, तो निकट भविष्य में उसके भी समाप्त होने का खतरा है, और कहीं कहीं तो समाप्त ही हो रहा है। तो ये स्थितियाँ भी बड़ी घातक है। और सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज, तो उससे क्रॉप्स को बचाना है, और इसमें हमें क्या करना होगा, तो सीड की क्वालिटी को इन्हेंस करना होगा ताकि बीज जो है वो इतने उन्नत किस्म के हों कि उनसे पैदावार ज़्यादा हो सके, मतलब वो ज़्यादा पैदा करने में, ज़्यादा दानों को देने में सक्षम हो। इसके अलावा जो फार्म इक्विपमेंट है उन पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे वो घिसे पिटे औजार अब काम नहीं करेंगे, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जैसे विदेशों में होती है, और इन सब के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। इसके अलावा सॉयल कंडीशन जो है वो भी ख़राब होती जा रही है। हमने इतने बेहिसाब उर्वरक इस्तेमाल किए हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बेजान हो रही, तो उसको फिर से संवारना ये भी अपने आप में एक चुनौती है। कितना भी हम क्रॉप साइकिल को अडॉप्ट कर लें और तमाम इस तरह के हथियार आजमा लें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें कुछ बड़े लेवल पर प्रयास करना होगा। तो सॉयल का जो हेल्थ चेकअप है, सॉयल हेल्थ कार्ड वगैरह की बात हो रही थी, तो उसमें कुछ बड़े प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंडीशन से तो हमें जूझना ही है, क्योंकि उससे निश्चित तौर पे, सीधे तौर पे जो क्रॉप्स हैं या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रभावित होता है। तो ये तो हमने एग्रीकल्चर की बात की, जिसमें कि ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका कि सही में निवारण तो अभी असंभव ही दिखाई देता है। हाँ, उसे हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें फ्यूचर रेडी सिटीज़ क्या चीज़ है। ये जो फ्यूचर रेडी सिटीज़ हैं, अब इसमें ये फ्यूचर रेडी है या नहीं ये पहले देखने की बात है। शहर जब हमने बसाने शुरू किए, शहरों की बसावट शुरू हुई, तो उस समय कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। ये जहाँ पर ज़मीन मिली, जहाँ पर विकास का इन्हें अवसर मिला, वहाँ बढ़ते गए, और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो जब कोई चीज़ प्लानिंग के साथ नहीं की जाती है तो वो बिखरी बेतरतीब होती है, और उसमें जब पॉपुलेशन का दबाव बढ़ता है तो समस्याएं खड़ी होती हैं, और अभी यही हो रहा है। जो एक बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है वो रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर भाग रही है, माइग्रेशन हो रहा है, और ये जो घटनाएं हैं इससे गांव तो खाली हो रहे हैं लेकिन शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का दबाव हो या फिर वहाँ रहने की जगह का हो। तो आबादी घनी होती जा रही है शहरों की, और उनका जो दायरा है वो सीमित है, तो ऐसी समस्या है। अब उसमें शहरों के सामने ये चैलेंज है कि वो रहने के लिए लोगों की व्यवस्था कहाँ से करवाएं। तो टोटल लैंड ऑन द अर्थ, यहाँ देखिए एक आंकड़ा दिया हुआ है जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि चीज़ें कैसी हैं, मतलब वर्तमान स्थिति कैसी। तो ये बताया गया, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है तो ये विश्वसनीय है, और इस तरह की जो भरोसेमंद रिपोर्ट्स होती हैं या डाटा होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, इससे आपकी बात और ठोस हो जाती। तो यूनाइटेड नेशन मोर देन 5 बिलियन पीपल, ये इसका डाटा है, इसके अकॉर्डिंग मोर देन 5 बिलियन पीपल आर टू लिव इन सिटीज़ बाई 2030। 5 बिलियन लोग जो हैं, उससे ज़्यादा, ये तो एक छोटा सा डाटा है, इससे ज़्यादा लोग सिटीज़ में रहेंगे, और ये 2030 तक की बात है, यानी आज से ज़्यादा समय दूर नहीं है। एंड सिटीज़ ऑक्यूपाई ओनली 3% ऑफ टोटल लैंड ऑन द अर्थ। आप सोच लीजिए कि 5 बिलियन से भी ज़्यादा लोग, और ये 7-8 बिलियन तक पहुँच सकता है, तो इतने ज़्यादा तादाद में जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहेगी, और ये मात्र 3% पूरे लैंड का घेरते हैं सिटीज़, तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी और कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। बट दे अकाउंट ऑफ 60% to 80% ऑफ एनर्जी कंज्यूमशन। एनर्जी कंज्यूमशन जो है वो सिटीज़ का हाई होता है, विलेज में उतना नहीं है। सिटी में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखती हैं, तो यहाँ पावर की खपत ज़्यादा है, ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, और उसको पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये जो फ्यूचर रेडी सिटीज़ हैं इसमें ऊर्जा की बचत की भी बात होगी, मतलब एनर्जी इफिशियंट इन्हें बनाया जाएगा, साथ में ऐसा डेवलपमेंट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतने कम दायरे में रह सकें, और दबाव घटाने की भी कोशिशें होंगी। और यहाँ वही दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर निर्माण किया जाए, ज़मीन पर फैलाने की जगह नहीं है तो भाई मंजिलें बढ़ा दो, मंजिलों का निर्माण करो जिसमें कि ज़्यादा लोग अट सकें। और इसके बाद ये भी है कि इलेक्ट्रिकल पावर और कार्बन इमिशन, अब इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसको, उसके बहुत सारे विकल्प तलाशना, जैसे सोलर एनर्जी है या इस तरह के और भी स्रोत हो सकते हैं जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को आधार या लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन इमिशन को घटाना शहरों के सामने एक बड़ा चैलेंज है। कार्बन इमिशन अगर हमने कम नहीं किया तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये और तेज़ रफ्तार में होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्टर्ब कर देंगे बुरी तरह से, हालांकि हमने कर दिया है लेकिन और वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें कार्बन इमिशन को घटाना है, और ये हर देश के सामने बड़ा ही टेढ़ा मैटर है। तो ये आपने देखा, दे आल्सो इनकरेज अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, ज़मीन के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ज़मीन के ऊपर जगह नहीं है तो।
क्लाइमेट रीसाइलेंस एक्टिविटीज एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब इस तरह की तमाम चीजें हैं। सिर्फ इतने ही उपाय नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपके दिमाग में भी कुछ आता है कि फ्यूचर रेडी सिटीज में क्या होना चाहिए या उन्हें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, तो उसको भी आप अपनी ओर से लिख सकते हैं। अब इसके बाद अबाउट द प्लान क्या है इसको देखिए। तो द प्लान विल बेनिफिट द 100 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो पूरा एक 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्लान तैयार किया गया है। 25 साल अभी इसमें शेष बचे हैं। और इट विल हैव टारगेट दैट आर टू बी कम्प्लीटेड इन 25 ईयर, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है और 2047, अभी 25 साल का समय बचा है। इट विल फर्स्ट फ्री अप फॉरेन डिफेंस एक्टिविटीज, माफ कीजिए, फॉरेन डिफेंस एग्जीबिशंस दैट आर मेड बाई इंडिया। और इट विल मेक इंडिया सेल्फ रिसाइल, मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, मतलब देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। और रक्षा के मामले में, रक्षा उपकरणों के मामले में, या तमाम जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं, विदेशों से मंगाते हैं, उसके मामले में आत्मनिर्भरता और दूसरों पर डिपेंडेंसी को कम करना, ये भी टारगेट है। और इसके अलावा जो रीस्ट्रक्चर बनाना है हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो भी है, ये सामने का लक्ष्य है। द प्लान इज लुकिंग टू मर्ज थ्री टू फोर बिग बैंक्स। यहाँ आप देखिए, बैंकों का जो मर्ज किया जा रहा है, मतलब छोटे छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाया जा रहा है, तो ये घटनाएं आगे भी होंगी, क्योंकि जो छोटे बैंक है या घाटे की स्थिति में चल रहे हैं, उनको अगर वैसे ही छोड़ दिया गया तो समस्या बन सकते हैं। तो उन्हें बड़े बैंकों में विलय करके उनकी साख को बचाया जा रहा है, और जो कस्टमर है उनके भविष्य को भी। तो ये काम है, फोर बिग बैंक्स जो है उनमें, मतलब तीन या चार की संख्या जो है उसी में बाकी को मर्ज कर दिया जाए। इट एम टू डेवलप सेमी कंडक्टर कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत तरह के टारगेट इसमें हैं। और सिर्फ इतना ही आप लिखें, ये आवश्यक नहीं है, बहुत सारे आप और अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। द गवर्नमेंट प्रोसेसेस आर टू बी री इंजीनियर्ड, और इट विल इलिमिनेट द अननेसेसरी इंटरफेरेंस मेड बाय गवर्नमेंट। जो सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है लोगों के व्यक्तिगत मामलों में, और ये कानून की वजह से या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी की वजह से होता है, लेकिन उसको घटाना और लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता देना, ताकि वो अपने तरीके से सोच सके और अपने तरीके से काम कर सके। हालांकि इसमें एक खतरा भी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रह पाएगा या नहीं, लेकिन इसमें सोच समझ कर कदम उठाने की आवश्यकता है। तो जो सिटीजन्स हैं उनको, उनकी लाइफ में जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है उसको घटाना, इस प्रकार का काम करना। ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइड, अब इसमें क्या करेंगे, तो द प्लान इज़ टू बिल्ड 10 लैब्स। अब इसमें 10 प्रकार की लेबोरेटरी बनाने का प्लान है। द प्लान इज टू टर्न इंडिया इनटू अ स्किल कैपिटल। अब भारत को एक स्किल कैपिटल के तौर पर डेवलप करने का सपना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सबको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो जब सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम जीने खाने के लिए उन्हें सक्षम बनाइए। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात बहुत पहले से चल रही है। जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई थी, और उससे पहले से ही सरकारों के प्रयास हैं, तो हमेशा सरकार की ये कोशिश रही है कि भाई जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, कम से कम उनके हाथ में इतना हुनर हो कि वो खुद से कमा खा सकें। तो ये स्किल डेवलपमेंट वाली बात पूरे देश में फैलाई जाएगी, क्योंकि युवा आबादी ज़्यादा है। अभी हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा यूथ का है, तो ये करने में सक्षम है। और इन्हें अगर स्किल्ड किया जाए, मतलब सक्षम बनाया जाए, कौशल सिखाया जाए, तो ये अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। तो एक स्किल कैपिटल के तौर पे इंडिया को डेवलप करना, ये भी प्लान है। इसके अलावा जो SDG है उन्हें अचीव करना ही है। साथ में द प्लान विल फोकस ऑन एग्रीकल्चर, अर्बन लैंडस्केप, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा। और ये सिर्फ गिनी हुई बातें यहाँ पर कही गई हैं, और भी बहुत सारे इसमें प्लान हो सकते हैं। 10 सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें यही आते हैं। अब इसमें आप अपनी ओर से क्या जोड़ सकते हैं, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जोड़ सकते हैं। आप शुरुआत में अपने विजन से शुरू करिए कि आप क्या सोचते हैं देश के बारे में, और आप देश में क्या कमियां देख पा रहे हैं और उसकी वजह क्या है, ये बताते हुए शुरू करिए। उसके बाद मेन बॉडी में ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ये सारी बातें जो अभी बताई गई। और अंत में कंक्लूजन भी बताइए कि ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जिसको कि नागरिक दूर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसमें कि सरकार अपना रोल प्ले कर सकती है, और दोनों को मिलजुल कर काम करना होगा तो अगले 25 साल में हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। 100% नहीं अचीव कर सकते, लेकिन अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं, और यही सफलता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। इसमें लिखने के बहुत सारे आयाम हैं, तो थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा, ज़्यादा फैलने से इससे को बचाना होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।